top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. मेरा अनुरोध से कह रहा था हमारे निवासी भाइयों से कि ये देश तुम्हारा देश है, इसे छोड़ के मत जाओ। चारों तरफ खून खराबा था, बहुत आसान था ये कहना कि चलो तुम इधर जाओ, लेकिन वो ट्रक यहाँ खड़ा था और जो हाथ जोड़ के कह रहा था तुम्हारा मुल्क है, तुम्हारे पुरखों का देश है, तुम छोड़ के मत जाओ। और वो जमाना था जब 70,000 लोग पाकिस्तान बॉर्डर से पैदल वापस आ जाते हैं मेवात में, सिर्फ लोग गुजरात के तक के गहरे थे, उसको यकीन करके वापस। और एक आज देश का हाल है जहां देश के बड़े से बड़े अहदे पे बैठने वाला लोग वो भी गुजरात से है, प्रधानमंत्री है इस देश का, वो अपनी आंख के सामने कत्लेआम दिख रहा है। 10 दिन तक इंतजार करता है और उसके बाद ऐसा एक स्टेटमेंट दे देता है जो मलम लगाने की बजाय आपके जख्म पे नमक लगाने का काम करता है। प्रधानमंत्री ने जो परसों स्टेटमेंट दिया, मेरे से मीडिया वाले पूछने आए कि चलो अब तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है गौ हत्या के नाम पे हत्या नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा भाई ये जो बयान प्रधानमंत्री ने दिया है इसमें ना तो सच्चाई है, ना संवेदना है, ना संकल्प है। अगर सच्चाई होती तो प्रधानमंत्री अपने मुंह से कहते हैं, सिर्फ ये नहीं बनता, अगर सच्चाई होती तो प्रधानमंत्री को कबूल करना चाहिए था कि मेरे मुल्क में और मेरी बीजेपी के जो राज है उनमें हत्या हो रही है। जब तक आप इस सच्चाई को कबूल नहीं करेंगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं दूंगा। यह फल सकता है प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री को कहना चाहिए अगर ये होगा और जिन लोगों ने किया है उन्हें चुन चुन की सजा दिलवाऊंगा और ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि आगे से किसी की सकता हो ऐसा काम करें। ये नहीं बोला प्रधानमंत्री, तो मैंने कहा उस बयान में ना सच्चाई हो, ना संवेदना हो, ना संकल्प हो, उस बयान को लेकर मैं क्या करूं? क्या तुम उस बयान को लेके क्या किसी के जख्म पे ये बयान मलहम का काम करेगा? नहीं। जब लोग उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री ऐसे करके सच्चाई संवेदना संकल्प बोले और ऐसे में प्रधानमंत्री ये बात करते हैं तो जख्म के मलहम में बच्चों पर मलहम का काम करता है। तो इसलिए ज्यादा लंबी बात कहने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। अभी हमारे पत्रकार साथी पूछ रहे थे आप यहाँ किस लिए आए हैं, आप मेवात के नजदीकी है इसलिए आए हैं, आप मुसलमानों की सहानुभूति व्यक्त करने आए हैं, सहयोग है मेवात, अब मेरा एक दूसरा घर है, जो सहयोग की बात है मेवात से जो मेरा जज्बा लगाव है वो मेरी अपनी जगह है, मैं जानता हूँ और मेवात के कम से कम कुछ चुनिंदा लोग इस बात को जानते हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन मैं यहाँ मेवात के लिए नहीं आया, मैं यहाँ मुसलमान के लिए नहीं आया, क्योंकि आज जो हो रहा है वो सिर्फ मुसलमान के साथ नहीं है, मैं यहाँ पे हिंदुस्तान के लिए आया। जब जुनैद को मारा जाता है तो किसी मेवाती को सिर्फ नहीं, सिर्फ एक मुसलमान को नहीं, जब जुनैद को मारा जाता है तो मेरे हिंदुस्तान का कत्ल किया जाता है। ये जो हिंदुस्तान का विचार है, ये जो इंडिया का आइडिया है, ये जो विचार है कि हम एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जो सबके लिए खुला हो, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की आवाज है इंसान बनेगा, और सपना जो है उस सपने को तोड़ा जाता है, उस सपने को खत्म किया जाता है। और मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं यहाँ हूँ आज तो सिर्फ मेवात की बात करने नहीं, सिर्फ मुसलमान की बात करने नहीं, हिंदुस्तान की बात करने के लिए, और आज ये हिंदुस्तान का कत्ल हो रहा है। और मैं सबको बता देना चाहता हूँ, हमारे तमाम साथियों को बताना चाहता हूँ कि आज जो देश में बीमारी है
मैं बार बार कहता हूं, सब मंत्री कहता हूं, यहां भी कह देता हूं, ये जो बीमारी है कि चंद लोग अपने आप को इस देश का मकान मालिक समझते हैं और बाकियों को किराएदार। मैं बार बार कहता हूं मेरे भाई, मुसलमान इस देश का किराएदार नहीं, वो भी उतना ही मकान मालिक है जितना कि मैं हूं। अरे मेरे पुरखों की लाश है तो उसके पुरखों की हड्डियां भी जमीन के अंदर, और जिस जिसके पुरखे ही जमीन के अंदर है वो सब उस देश के मालिक है, मकान मालिक है, कोई किराएदार नहीं है। और अगर आप कहते हो माइनॉरिटी की बात, तो इस देश में हर कोई माइनॉरिटी है, कोई इस देश में माइनॉरिटी होने से बचा नहीं है। कोई धर्म के आधार पर माइनॉरिटी है, कोई भाषा के आधार पर माइनॉरिटी है, कोई जात बिरादरी के नाम पे माइनॉरिटी है। अगर माइनॉरिटी नहीं बचेगी तो इस हिंदुस्तान में कोई नहीं बचेगा। अगर माइनॉरिटी बचानी है हिंदुस्तान को बचाने का है, तो मैं तुम्हें छीनी नहीं देगी, इस दौर में जी रहे हो तो आराम बचा दो, वो आराम बचेगा, वो आराम इंसाफ पसंद बचाएगा, आराम बचाएगा, वो हिंदू और मुसलमान सिख और ईसाई आपस में इंसाफ हाथों में हाथ डालकर संतों के साथ कंधा मिलाकर वो आराम बचाएगा। और मुझे यकीन है 2019 वो इंसाफ की घड़ी होगी जब मोदी सरकार को करारी हार ये आवाम देगी, वो मुसलमान देगा, वो हिंदू देगा, वो सिख देगा, वो ईसाई देगा। ये मौतें आती जाएंगी अगर हम टीवी चैनलों के अंदर देखते रहेंगे। हमको सड़कों पर आना पड़ेगा, अपनी लड़ाई जमहूरियत के तौर पर, कानून के तौर पर, कानूनी तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और अगर आप खामोश हो गए तो ये ध्यान रखिएगा, अगर एक आज एक इंसान खामोश हो गया, आने वाला मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। और इस मुल्क का मुस्तकबिल ना हम बर्बाद होने देंगे, चाहे वो नरेंद्र मोदी आ जाए, चाहे वो अमित शाह आ जाए, चाहे पूरी सरकारें आ जाए। और इंसाफ पसंद इंसाफ इंसाफ के साथ होगा। हमारे बीच में तमाम सैकड़ों लोग हैं बोलने वाले, सब बोलेंगे, अपनी बात को रखेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि ये जंतर मंतर करार हो जाए और हमारे दिलों के अंदर ये दर्द खत्म हो जाए। इस दर्द को रखिएगा। वो कहीं खामोश हो गए, वो कहा एक शायर ने कि अगर रात को भूला सुबह घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। मगर मैं कहना चाहता हूं तमाम लोगों से, हमें भीड़ भाग का नहीं चाहिए, मगर अपने दिलो दिमाग में, अपने सत्ते में, अपने लू में हम एक जज्बा रखिए। हम लड़ेंगे, अगर किसी हिंदू भाई के साथ किसी को अत्याचार होगा तो मुसलमान सड़कों पर आएगा। अगर किसी मुसलमान के साथ जुल्म होगा तो सिख भाई भी आएगा। अगर किसी सिख भाई के साथ जुल्म होगा तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ एक एक पुरानी दिल्ली की जो हमारी सारी तंजीम आएंगे सब सड़कों पर आएंगी। हम इंसान में की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये लड़ेंगे, और ये तहरीक बनेगी, ये तहरीक होगी इस सरकार के खिलाफ जो हमारे इंसानियत के खून के दुश्मन है। और इंशाल्लाह और ये इंकार होगी, और ये इंकार जंतर मंतर से स्टार्ट होकर पूरी दुनिया तक फैलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़ के खिलाफ वाले। हमने हमारी Thank you.
आज पे ये जो जंतर मंतर का प्रदर्शन हो रहा है, ये मेवाती समाज का एक पहल की गई है। और ये पहल इसलिए की गई है कि जो हिंदुस्तान के अंदर कानूनी व्यवस्था बिगड़ रही है सरकार में, उसके खिलाफ और मेवाती समाज के साथ या काफी तंजीमें हैं जो इंसाफ पसंद तंजीमें हैं हिंदुस्तान की, उन्होंने साथ दिया है। कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर यहाँ साथ में आए हैं, इसके अलावा हमारा स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव जी भी यहाँ में आए हैं, और जो सामाजिक संगठन है जैसे मेरे पंचायत हुआ, विभाग विकास सभा हो गए, ऐसे कई सारे संगठन इसमें आए हैं। हम लोग आज धरना पे इसलिए बैठे हैं कि हम एक मैसेज दे सके सरकार, जो ये दलों के नाम झंडे पर है और ये खास भीड़ खास लोगों को मार रही है। सर ये जेएनयू के जो सामग्री आपने किया, जेएनयू को क्या मत सकता है इसमें मिलाने का? दरअसल हमने एक मैसेज दिया था कि जो इंसाफ पसंद तंजीमें हैं, हम एक पहल कर रहे हैं हिंदुस्तान में जो भिन्नर्सी कानून व्यवस्था, इसमें जो लोग हमारे साथ देना चाहते हैं आप लोग आइए, चाहे जेएनयू की बात करें हम, चाहे हम जेएनयू कॉलेजों की जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है इनका उनकी बात करें, चाहे जामिया की बात करें, अभी जो एनएसयूआई के नेशनल प्रेसिडेंट हैं वो जी भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। एक मकसद एक मैसेज था जिसमें हम सब लोग मिलकर देश के प्रधानमंत्री को बता सके कि घड़ियाल आंसू बहाना बंद करिए, आप देश के मुखिया हैं, फैसला लीजिए, और फैसला नहीं ले सकते तो आप घड़ियाल आंसू मत बहाइए।